नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, अभी बंद रहेंगे स्कूल, ट्रकों पर 26 तक लगी रोक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाघिन की शिकार महिला वनरक्षक के परिवार को 15 लाख देने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर निशाना, कहा कुछ गैर जिम्मेदार देश तोड़ मरोड़ रहे संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून। रक्षा हितों से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार, S-400 की खरीद से भारत रूस सैन्य संबंधों के नए युग की होगी शुरुआत। राजस्थान में 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ, अशोक गहलोत बोले जनता की अपेक्षाएं होंगी पूरी। कृषि कानून की वापसी पर बुधवार को लगेगी कैबिनेट की मुहर, किसानों ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर वार्ता बहाल कर रखी मांग। टीकाकरण बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ जैसे कई उपाय अपनाएगी सरकार, दूसरी डोज लगवाने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। गंगा किनारे घाटों के निर्माण और रखरखाव पर 730 करोड़ रुपए खर्च, आरटीआई से पूछे गए सवाल पर सामने आई जानकारी। पीएनबी के सर्वर में सेंध, उजागर हुई ग्राहकों की जानकारी, बैंक ने गड़बड़ी मानी लेकिन जानकारी लीक होने से किया इनकार। INS विशाखापत्तनम नौसेना में शामिल, पीएम मोदी बोले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए गर्व का दिन। हत्या के मामले में टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष त्रिपुरा में गिरफ्तार, दिल्ली में टीएमसी देंगे धरना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बीते 75 वर्षों में जितना आगे बढ़ना चाहिए था हम उतना आगे नहीं बढ़े। हिसार में डेंगू के कुल 4,898 सैंपल के 18% संक्रमित मिले, एसडीपी किट की मांग दोबारा बढ़ी। झारखंड सरकार की नियोजन नीति, भाषा विवाद आदि मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति बनाएगी भाजपा। गुलाम नबी आजाद के समर्थक 9 और वरिष्ठ नेताओं ने दिया पदों से इस्तीफा, सभी जिला उधमपुर के नेता। मनरेगा की महिला कर्मिकों को पदोन्नति के लिए देनी होगी परीक्षा, यूपी की 44,000 महिलाओं का होगा फायदा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, स्वीकार नहीं समान नागरिक संहिता। योगी आदित्यनाथ ने 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले मेडिकल हब बन रहा उत्तर प्रदेश। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, लखनऊ में पत्नी अफशां की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। सीतापुर में तिलक से पहले जीजा ने मारी साली को गोली, बेटी और खुद को भी किया शूट।
अलीगढ़ में अहेरिया समाज के लोगों का प्रदर्शन, सड़कों पर जमकर हुई नारेबाजी। अलीगढ़ में बोले पूर्व विदेश मंत्री सलीम शेरवानी, पाकिस्तान से अच्छे दोस्त भाजपा को कोई नहीं। फरुखाबाद में हैंडपंप से निकला खौलता पानी, रूरा देवी मंदिर के हैंडपंप से निकला पानी। फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन, उनकी किताब पर भड़का हिंदू जागरण मंच। हमीरपुर में विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन, संगोष्ठी का किया गया आयोजन। लखीमपुर खीरी में विधायक रोमी साहनी ने पेश की मिसाल, बेसहारा बेटी का किया करवाया विवाह। लखनऊ में विधायक ने चलाया सदस्यता अभियान, भाजपा में जुड़ने की अपील की। मथुरा में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा, भगवान निंबाकाचार्य की निकाली गई यात्रा। सिद्धार्थनगर में भाजपा पर बरसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विशाल जनसभा का हुआ आयोजन। संभल में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, अखिलेश यादव ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। संभल में सपा में शामिल हुए शाह फैसल खान, आपके पूर्व प्रदेश सचिव थे शाह फैसल खान। संभल में उड़न खटोला से हुआ बहू का स्वागत, लोगों का लगा जमावड़ा। आगरा में डॉक्टर रामबाबू हरित का बड़ा बयान आया सामने, एससी एक्ट के दुरुपयोग दलित कर रहे सावधान। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर जारी, सड़क दुर्घटना में हुई बाइक सवार की मौत। अलीगढ़ में लापता किशोर के परिजनों ने लगाई गुहार, फिरौती की चिट्ठी मिलने पर एसएसपी से लगाई गुहार। शाहजहांपुर में वृहद गौ संरक्षण केंद्र सलिया गौशाला पहुंचे रौजा थाना प्रभारी जयशंकर ने भोग लगाया। मिर्जापुर में हर्ष फायरिंग का मामला, युवक की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में सोलदाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में कूड़े के पास मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में शादी समारोह में जमकर हुई फायरिंग, शादी समारोह में कई राउंड फायरिंग हुई और भमौरा गांव से गुसियारी गांव गई थी बारात। लखीमपुर खीरी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन, डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी, मतदान के लिए किया गया जागरूक।
लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, इको गार्डन में किया गया प्रदर्शन। रायबरेली में पेड़ों पर चलाया गया आरा, जोरों पर थाना क्षेत्र में अवैध कटान, हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में खेत जोतते समय ट्रैक्टर से हुआ हादसा, ट्रैक्टर पर चढ़ते हुए रोटावेटर की चपेट में आया युवक, ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। मथुरा के जिला जज, आगरा के बने जिला जज विवेक संगल, आगरा के जिला जज बने राजीव भारती, बने मथुरा के जिला जज। चमोली में भारी बारिश से लोगों की संपत्तियों को नुकसान, शासन प्रशासन से मांग रहे ग्रामीण आर्थिक सहयोग। चमोली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की वारदात का हुआ खुलासा। देहरादून में पंचायत जनप्रतिनिधियों का गुस्सा चरम पर, भंडारी में नहीं कोई उचित व्यवस्था। कालाढुंगी में दीपक कुमाऊनी संगीत का देना चाहते हैं नया आवाम, कुमाऊनी संस्कृति का प्रचार प्रसार जारी। मसूरी उत्तराखंड के काश्तकारों के लिए बड़ी खबर, जापानी तकनीकी से की जाएगी खेती। पौड़ी गढ़वाल में स्वीप अभियान का आयोजन, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजन, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, झूठी घोषणाएं करने वालों पर नहीं जनता को भरोसा। बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, अगली यात्रा सीजन में होगा वन वे सिस्टम। पच्चीस तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड मिशन पर धामी, ठोस कार्य योजना हो रही तैयार। पंच केदार में शामिल द्वितीय केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब ऊखी मठ में होंगे दर्शन। सीएम से वार्ता के बाद चली अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की हड़ताल, सरकार ने मानी कई मांगे। उत्तराखंड चुनाव के चलते ऑटो टैक्सी वालों से बोले अरविंद केजरीवाल, आप सरकार बनवा दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। देहरादून में वाहन चलाते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी की गाड़ी तो देना होगा 1000 तक जुर्माना। उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो आपका लोग भी सुधारेंगे, और पर लोग भी, केजरीवाल ने दिया बयान। हरियाणा में सैटेलाइट से होगी परियोजनाओं की निगरानी, पानीपत पलवल सहित 11 जिलों में जीआईएस लैब शुरू। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में निकाली जा रही क्रिसमस परेड में एक युवक की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, एसयूवी घुस गई थी भीड़ में। बिना मंजूरी संचालन किया तो बाबा रामदेव के चैनल पर कार्रवाई करेगी नेपाल सरकार।
अब्दुल्ला हमचोक को सेना ने फिर बनाया सूडान का प्रधानमंत्री। राजनीतिक घोषणा पत्र में 14 बातों पर समझौता। पाकिस्तान में आटे की किल्लत, पंजाब प्रांत के अधिकांश जिलों में स्टॉक खत्म। विशेषज्ञों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम अब्बास सिंह ने इमरान खान से इस्तीफे की मांग की, कहा लोगों की पीड़ा से बेखबर है सरकार। ऑस्ट्रेलिया में 1 दिसंबर से पूरी तरह से टीका लगाए गए योग्य वीजा धारक कर सकेंगे प्रवेश। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को हटाने का किया आह्वान, कहा पाकिस्तान को समस्याओं के दलदल में धकेला। पाकिस्तान में वोट की कोई कीमत नहीं, सरकार अपने चहेते जजों से करवाती है मनपसंद फैसलों की नवाज। टीडीपी ने इमरान सरकार से मांगा तीसरे देश में ऑफिस खोलने की मंजूरी, खटाई में पड़ी बातचीत। अमेरिका और चीन के रिश्तों में नरमी के आसार नहीं, ट्रंप की सख्त बीजिंग नीति को ही आगे बढ़ा रहे बाइडेन। पीएनबी के 18 करोड़ से अधिक ग्राहकों की वित्तीय जानकारी से किया गया समझौता, बैंक ने मानी तकनीकी गड़बड़ी की बात। आधार कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब तक 58 आधार सेवा केंद्र शुरू, आसान होगा आधार से जुड़े काम करवाना। जीवन साथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट जरूरी नहीं, सरकार ने नियमों में दी ढील। मुंबई हाई को थाली में सजाकर निजी क्षेत्र को सौंप रही है सरकार, ओएनजीसी के अधिकारियों की यूनियन ने जताया कड़ा विरोध। बाउंस इंफिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 दिसंबर को होगा लॉन्च, बुकिंग 499 रुपए से कर पाएंगे और बैटरी के बिना भी खरीद सकेंगे स्कूटर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू वित्त वर्ष में 50 करोड़ डॉलर के कारोबार की उम्मीद, महामारी की शुरुआत में कंपनी की आमदनी में तेजी से आई थी गिरावट। डाकखाने की बड़ी योजना, 10 साल से बड़े बच्चों का खोला खाता, पढ़ाई के लिए हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। पच्चीस नवंबर से शुरू होगी अमेजॉन की BFCM सेल, 70,000 निर्यातक होंगे शामिल। ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण 8.43 करोड़ पहुंचा, साझा सेवा केंद्रों का हिस्सा 80%। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट बतावा, घरेलू शेयरों में FPI का हिस्सा सितंबर तिमाही में बढ़कर 667 अरब डॉलर पर पहुंचा। दीपक चाहर ने मारा गगनचुंबी छक्का, रोहित रह गए हैरान, वायरल हुआ कप्तान का रिएक्शन। भारत छोड़कर अमेरिका जाने वाले भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने रचाई शादी, IPL में नजरअंदाज किए जाने पर गर्लफ्रेंड ने उठाया था सवाल। बल्लेबाज के बाद कप्तान रोहित शर्मा पर भी कोलकाता का ईडन गार्डन्स मेहरबान।
दीपक चाहर और ईशान किशन जाएंगे साउथ अफ्रीका, भारत ए टीम के लिए अब खेलेंगे मैच। रवि शास्त्री पर भड़के गौतम गंभीर, टीम इंडिया पर इस बयान को लेकर दी खिंचाई। द्रविड़ की टीम इंडिया को सलाह, टी20 सीरीज जीतने पर कोच बोले जीत से शुरुआत अच्छी बात, पर हमें पैर जमीन पर रखने होंगे। भारत ने सीरीज पर 3-0 से जमाया कब्जा, भारतीय दिग्गज हुए खुश, आकाश चोपड़ा ने रोहित की कप्तानी की जमकर प्रशंसा की। डेब्यू कर रहे विंडीज के जेरेमी सोलोजानो को फील्डिंग के दौरान सिर पर बॉल लगी, स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। रोहित शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। हर्षल टी20 में हिट विकेट होने वाले दूसरे भारतीय बने, 2018 में केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ हुए थे हिट विकेट। अनुपमा के फैंस के लिए बुरी खबर, सीरियल में अनुपमा की मां का किरदार निभाने वाली माधवी गोगटे का निधन, एक्ट्रेस का हुआ निधन। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह स्टारर थैंक यू और थैंक गॉड की रिलीज डेट आई सामने। पूजा भट्ट ने की कपिल शर्मा के सिंगिंग की तारीफ, लिखा तुम बहुत बढ़िया सिंगर हो कपिल। बिग बी का लीगल एक्शन, अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी दिखाया जा रहा एड। फातिमा सना शेख ने छोड़ी डायरेक्टर ई निवास की फिल्म, विक्की कौशल की सैम बहादुर हो सकती है वजह। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भड़के सेलेब संजय गुप्ता, बोले जो शाहरुख खान के परिवार के साथ हुआ उसका हर्जाना कौन भरेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की मांग की। विजय देवर कोड़ा के साथ घुड़सवारी पर निकली अनन्या पांडे, मस्ती भरी तस्वीरें हुई वायरल। जय भीम के डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल ने विन्यार समुदाय से बिना शर्त माफी मांगी, बोले सूर्या को इसमें घसीटना गलत है। शाहिर शेख ने बेटी अनन्या को दिया पहला हेयर कट, फैंस से लेकर सेलेब्स ने किया रिएक्ट। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।